जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सबको नाउन नंबर के बारे में। तो नाउन नंबर क्या होता है? नाउन नंबर में दो प्रकार के नंबर होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं एकवचन बहुवचन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मतलब जब कोई चीज एक से रेफर की जाती है। व्हेन द नाउन रिफर टू वन आइटम, जब एक आइटम से रिफर हो रहा है तो उसे कहते हैं सिंगुलर। जैसे कि पेन, पेन एक है, ठीक है। और प्लूरल मतलब कि व्हेन द नाउन रिफर टू मोर देन वन आइटम, जब नाउन जो है एक आइटम से ज्यादा में रिफर किया जाता है तो उसे प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे पेन को क्या प्लूरल हो गया? पेन, ठीक है, एस लग गया। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल बाय एडिंग, कुछ रूल्स होते हैं कि कहते हैं हम लोग सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं। सिंपली सी एस लगाते हैं बहुत सारी चीजों में तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल बाय एडिंग एस, सिंगुलर बॉय है तो उसको सिंपल सा प्लूरल बनाना है तो एस लगा देंगे, बॉयस बन गया, प्लूरल बन गया। टेबल का प्लूरल टेबल्स हो गया, ठीक है ना। अगर लेकिन हमेशा ये रूल्स लागू होता नहीं है, एस हर जगह लगा के प्लूरल तो बनता नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल बाय एडिंग ई एस, हम लोग आखिरी में ई एस को लगा के प्लूरल चीजों को बना सकते हैं, सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर नाउन विच एंड विद लेटर एस, सी एच, एस एच और एक्स, जो लेटर एस से, सी एच से, एस एच से या एक्स से खत्म होता है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग आखिरी में ई एस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ब्रांच, ब्रांच में आखिरी में क्या आ रहा है? सी एच, ठीक है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने इसमें जोड़ लिया ई एस और ये प्लूरल बन गया, ब्रांचेस हो गया, ठीक है। मैच, मैच में क्या है? सी एच है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस लगा दिया, मैचेस हो गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, बॉक्स है, बॉक्स आखिरी में एक्स से खत्म हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? बॉक्सेस, ठीक है ना बेटा। तो जो लेटर एस, सी एच, एस एच या एक्स से खत्म होंगे उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस को ऐड कर देंगे। और भी रूल्स हैं, आगे बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय एडिंग ई एस टू नाउन, हम लोग ई एस को ऐड करके हम लोग प्लूरल बना सकते हैं जब लेटर का ओ से खत्म होता है। कई बार लेटर ओ से खत्म होते हैं तो उसको हम लोग प्लूरल ई एस लगा के बनाते हैं। जैसे बफेलो, यहाँ पे ओ से खत्म हो रहा है लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दिया। बफेलो, टोमेटो में ओ से खत्म हो रहा है, इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दिया। उसी प्रकार है मैंगो, मैंगो भी किससे खत्म होता है? मैंगो, ओ से खत्म हो रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंगोज, ठीक है ना बेटा। अगला रूल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय चेंजिंग एपी और एफ को हम लोग चेंज करते हैं और बी एस उसमें ऐड कर देते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे हार्स, हार्स में एफ को हम लोग खत्म कर देंगे, उसकी जगह हम लोग बी एस को लगा के इसको प्लूरल बना देंगे, हार्स हो जाएगा। नाइफ, नाइफ में एफ ही था, इसको हटा के नाइफ बी एस को ऐड कर दिया जाएगा। लीफ में एफ को हटा के वी एस को ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि लीव प्लूरल बन गया। एक रूल और है, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय चेंजिंग वाई टू आई एस, मतलब हम लोग वाई को हटा दें, कोई लेटर जो है वाई से खत्म होते हैं, ठीक है, और उसमें वाई को हटा ले, अगर उसके पहले वाला वर्ड अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? आर्मी, आर्मी लेटर वाई से खत्म हो रहा है लेकिन उसके पहले वाला वर्ड किससे है? कॉन्सोनेंट है, एम है, ठीक है, तो हम लोग वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। उसी प्रकार स्टोरी है, वाई से खत्म हो रहा है लेकिन उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट है, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि वाई से दो रूल है, ठीक है। अगला रूल अभी बता रहे हैं कि वाई से अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, लेकिन अगर वाई के पहले अगर वोवेल है तो हम लोग आई ई एस नहीं लगाते, केवल एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। वो अगला रूल बताते हैं, सिटी वाई से खत्म हो रहा है, उसके पहले वाला वो कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देते हैं। अगले रूल पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एस इफ द लास्ट लेटर इज वाई एंड इट्स प्रीसीडिंग आर वोवेल। देखिए क्या रूल क्या कह रहा है कि सिंपल सा नियम कह रहा है कि अगर लेटर आखिरी में वाई से खत्म हो रहा हो, ठीक है, और उसके पहले वाला वोवेल, ठीक है ना बेटा। इससे पहले वाला रूल बताया था कि अगर कोई लेटर वाई से खत्म हो रहा है और उसके पहले वाला कॉन्सोनेंट है तो वाई को ही हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। जैसे मैंने बताया था लेडी में, लेडी में वाई को हटा लेंगे और आई ई एस लगा के प्लूरल बना देंगे, लेडीज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे टॉय है, टॉय में वाई से तो खत्म हो रहा है लेकिन इसके पहले वाला वर्ड वोवेल है तो इसमें हम लोग एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। उसी प्रकार बॉय में वाई से खत्म हो रहा है, इसमें वाई को हटाएंगे नहीं क्योंकि इसके पहले वाला वोवेल है तो हम लोग एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। अगला रूल पे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय चेंजिंग इनसाइड वोवेल, मतलब अंदर के वोवेल को हम लोग चेंज करके, अदला बदली करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैन, मैन में क्या है? ए क्या है? एक वोवेल है और उसको चेंज करके ई लगा के मैन,
गूगर बन गया, गूथ डबल ओ को हटा के डबल ई लगा दिया, गीत, ये वोवेल बन गया, प्रूरा बन गया। इसका वोवेल है डबल ओ, टूथ, तो इसका बदल के हमने क्या किया, डबल ई, टीथ बन गया, प्रूरल बन गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रूरल नाउन बाय एडिंग ई एन, क्या किया जाता है, कभी कभी हम लोग को ई एन लगा के भी उसको प्रूरल बना दिया जाता है सिंगुलर चीज को, जैसे ऑक्स, ऑक्स माने सभी को पता है बैल, ऑक्स का प्रूरल कैसे बनेगा, ई एन लगा के, ऑक्सन। चाइल्ड, चाइल्ड माने एक बच्चा, और बहुत सारे बच्चों में ई एन लगा दिया गया, चिल्ड्रेन, ठीक है। अगला रूल है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन बाय कीपिंग द सिंगुलर नाउन अनचेंज, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको सिंगुलर में भी वही बोला जाएगा और प्लूरल में भी वही पढ़ा जाएगा, जैसे शिप, सिंगुलर में भी शिप रहेगी और प्लूरल में भी शिप, शिप ही रहेगी, डियर, डियर ही रहेगा, प्लूरल में भी वही रहेगा, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। तो कुछ ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होती। ये कुछ रूल्स थे कि कैसे हम लोग किसी भी सिंगुलर चीज को प्लूरल कैसे किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर जानने कि कौन से रूल से आप लोग इसमें आंसर भरेंगे, तो आपको रूल्स अगर मालूम होंगे तो आप तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि जेंडर के बारे में, नाउन जेंडर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।